अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक लेकर आया हूँ। एक ऐसी ट्रिक जिसके ज़रिए से आप अपने फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड खुद 5 सेकंड्स के अंदर रिमूव कर देंगे। इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई प्रोफेशनल स्किल आने की ज़रूरत है। जस्ट आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इस ट्रिक के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी लाजमी होनी चाहिए। इसमें आपने कुछ भी इस तरह का ट्रिकी काम नहीं करना, कोई मुश्किल काम नहीं करना। जस्ट मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, आपने उस वेबसाइट को ओपन करना है और उस वेबसाइट के ऊपर अपनी पिक अपलोड कर देनी है और उसको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन को क्लिक कर देना है, तो उस वेबसाइट ने आपको ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव करके दे देना है। उसके बाद आप अपनी पीएनजी फॉर्म में आपको आपकी पिक देगा, उसको आपने सेव कर लेने हैं और आप उसको कोई भी अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड दे सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह की और भी ट्रिक्स मैं आपके लिए बहुत जल्द और भी ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। जी तो दोस्तों, चलते हैं ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर देना है। आपके फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, या उसके अलावा कोई और ब्राउज़र है, जो भी आप यूज़ करते हैं आपने उसको ओपन कर लेना है। और याद रखें कि सबसे पहले आपने अपना इंटरनेट ऑन रखना है, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये यूसी मिनी ब्राउज़र है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली लिखना है रिमूव बीजी बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड आपने सर्च कर लेना है, यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी सबसे ऊपर, रिमूव बैकग्राउंड। ये देखें, आपके सामने सबसे ऊपर वेबसाइट आ चुकी है remove.bg। आपने सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब ये वेबसाइट ओपन हो रही है। जी तो दोस्तों, ये वेबसाइट अब मेरे पास ओपन हो गई है। ये देखें, इसके सबसे ऊपर टॉप पे ये ऑप्शन आ रहा है अपलोड इमेज। आपने सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखें, नीचे मैं आपको पिक्स पहले इसकी दिखा देता हूँ कि ये वाली पिक्स हैं, ये वाली ओरिजिनल पिक है और इसके साथ ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ है। इसी तरह और भी पिक्स लगी हुई हैं। आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड जिस तरह का मर्ज़ी हो, बेशक उसमें डिफरेंट कलर्स हों, एक कलर हो। अब आपको किसी फ़ोटोशॉप वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वीडियोग्राफ़र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे। कोई भी खूबसूरत सा बैकग्राउंड आप ख़ुद बैकग्राउंड रिमूव करके अपनी वीडियो को कोई सा भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने गैलरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से कोई सी भी पिक्चर आपने सेलेक्ट कर देनी है। जिस तरह मैं ये पिक्चर, ये देखें, यह मेरी पिक्चर है, इसका ब्लैक बैकग्राउंड है। अब मैं इस पिक्चर्स को इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा ब्लैक बैकग्राउंड से। ये देखें, मैंने सिंपली पिक्चर को अपलोड कर दिया, अभी अपलोड हो रही है। सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जी तो दोस्तों, ये देखें, ये पिक्चर अपलोड हो रही है और पिक्चर के अपलोड होने का टाइम ये आपकी एक तो आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है और दूसरा आपकी पिक्चर के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जो पिक्चर्स आप मोबाइल से लेंगे वो कम टाइम लेंगी, जो पिक्चर आपकी DSLR की होगी या कैमरा की होगी, हैवी पिक्चर होगी, ज़्यादा MB होगी, कंज्यूम करेगी, तो वो पिक्चर अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये पिक्चर मेरी अपलोड हो रही है। अब जैसे ही ये पिक्चर अपलोड होगी, ये मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा उसके साथ ही। तो दोस्तों, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। जी तो दोस्तों, देखें, ये प्रोसेस कर रहा है और अब ये ओरिजिनल पिक्चर मेरी अपलोड हो चुकी है और ये उसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है। ये देखिए, अब मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और इसने मुझे ये बैकग्राउंड रिमूव करके मेरी पिक्चर दे दी है। ये देखें, आपके सामने है, पहले इसका ब्लैक बैकग्राउंड था, अब इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अब आपने यहाँ से सिंपली क्या करना है, सिंपली आपने इस डाउनलोड पर क्लिक करना है और ये देखें, 0.16 MB की ये मेरी पिक्चर का साइज़ है, PNG का ये इसने पिक्चर मेरी
बैकग्राउंड रिमूव करके मुझे दे दी। अब यहाँ से सिंपली मैंने इसको डाउनलोड कर देना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप यहाँ से ओपन कर लें, देखें यह मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड है जो मैंने रिमूव कर दिया है। इसे मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके मुझे दे दिया है दोस्तों। जी दोस्तों, अभी मैं आपको गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हुआ या नहीं। ये देखें, मैंने गैलरी को ओपन किया, सबसे ऊपर टॉप पे ये देखिए ये मेरी पिक्चर है। इसका ब्लैक बैकग्राउंड था पहले, अभी इसका वाइट बैकग्राउंड हो गया। अभी मैं आपको इसको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये ब्लैक बैकग्राउंड है इसका। अब देखें, मैं क्लिक करूँगा, ये वाइट बैकग्राउंड है। इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, इसने सिर्फ ये मोबाइल का जो थीम लगा हुआ है ये उसका बैकग्राउंड कलर मुझे दिखा रहा है। अब इस पर कोई भी किस्म का बैकग्राउंड नहीं है, इसने मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया। अब इसको, इसके पीछे मैं कोई सा भी बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से एडिट करके लगा सकता हूँ। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह की और भी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, जिससे आप आसानी से कोई भी काम घर बैठे कर सकें। आपके लिए ऐसी ट्रिक्स लाऊँगा कि आप अपने मोबाइल पर हर काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।